Morning students, this is your EBS period and we were doing chapter number 3, that is fields to kitchen, that is fields to kitchen. So in previous video we have seen about types of crops. And we have also seen how crops are grown, how farmers grow the crop, that is steps of agriculture. Now after the crops are harvested and stored in godown, how they comes in our kitchen. So how food comes in our kitchen, we will see it. Now today we will do topic journey of food. Yani food ka safar. Now see this beta, observe these pictures and arrange them in sequence from 1 to 5 to show how a chapati reaches to your plate from the kitchen. अब किचन में बेटा ये जो है ये पिक्चर्स दी हुई हैं, अब इनको अरेंज करना है कि कैसे चपाती तुम्हारी प्लेट तक आती है. देखो फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट नंबर फ्लोर, आटा है ना, आटा लिया. सेकंड नंबर उसमें वाटर डाला. थर्ड नंबर उसको नीड किया यानी उसको गूंदा, गूंद के फिर फोर्थ नंबर उसके छोटे छोटे गोले बनाए. फिर वी वर मेकिंग चपाती हियर एंड आफ्टर दैट इट कम्स टू अवर प्लेट. तो फर्स्ट, सेकेंड इज दिस प्रोसेस, थर्ड दिस, फोर्थ दिस एंड फिफ्थ दिस. नाउ लेट अस लर्न हाउ डिफरेंट क्रॉप्स सच एज ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रीच आवर होम फ्रॉम फार्मर फील्ड. मतलब अब ये पढ़ेंगे कि अलग अलग क्रॉप्स जैसे ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, कैसे हमारे घर में फार्मर्स के फील्ड से किचन में या हमारे घर तक आते हैं. सम ग्रेन्स, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स बिकॉज दे विल रॉट. कुछ ग्रेन्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा दिनों, ज्यादा लंबे समय तक हम स्टोर करके नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि वो खराब हो जाते हैं. रॉट मीन्स सड़ जाते हैं या खराब हो जाते हैं. दीज क्रॉप्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फील्ड टू द होलसेल मार्केट बाई ट्रैक्टर, बुल्लक कार्ट्स, ट्रक्स, वैन्स एंड ट्रेन्स. ये इन क्रॉप्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. इन क्रॉप्स को भरते हैं फील्ड से किसमें लेकर आते हैं, मार्केट तक, होलसेल मार्केट में लेकर आते हैं, ट्रैक्टर पे, बुलक कार्ट्स में, ट्रक्स में, वैन्स में और ट्रेन्स में. हम कहाँ पर लेकर आते हैं, होलसेल मार्केट में. कहाँ से लेकर आते हैं, फील्ड से. ठीक है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस, सिटीज एंड स्टेट्स एंड सोल्ड इन द होलसेल मार्केट. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या होते हैं, फील्ड से ही सीधा विलेज से, गाँव से, सिटी से, शहरों से, स्टेट से. और किसमें सोल्ड होते हैं, किसमें बेचे जाते हैं, सोल्ड मीन्स बिकने, किसमें बेचे जाते हैं, होलसेल मार्केट में. ग्रीन ग्रोसर्स गो टू द होलसेल मार्केट टू बाई दीज क्रॉप्स टू फर्दर सेल देम टू द कंज्यूमर्स. ग्रीन ग्रोसर्स कौन होते हैं बेटा, सब्जी वाला. वहां होलसेल मार्केट से वो खरीद कर लाता है सब्जियां और फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और फिर उनको फर्दर सेल करता है, फिर बेचता है कंज्यूमर्स को. यानी कंज्यूमर्स यानी हम जो उन्हें कंज्यूम करते हैं, जो उन्हें यूज करते हैं. ठीक है बेटा, ये देखो बेटा सब्जी वाला है, ये कंज्यूमर है, तो ये उसकी सब्जी खरीद रहा है. नेक्स्ट, हाउएवर वीट, राइस, कॉफी, टी एंड सम अदर क्रॉप्स आर सेंट टू द मिल्स और फैक्ट्रीज फॉर पॉलिशिंग एंड प्रोसेसिंग. मतलब जैसे वीट है, राइस है, कॉफी है, टी है, ये भी क्रॉप्स हैं. ये क्या होते हैं, इनको मिल्स में या फैक्ट्रीज में सेंड कर दिया जाता है पॉलिश करने के लिए, और प्रोसेसिंग, उनकी प्रोसेसिंग और होती है. जैसे उनको पैक किया जाता है फिर भेजा जाता है मार्केट में, होलसेल मार्केट में. देन दीज आर देन पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड. फिर वो पैक होके ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं. कहाँ पर, होलसेलर, होलसेलर को भेजे जाते हैं. फिर होलसेलर से रिटेलर को जाते हैं और रिटेलर फिर सेल करता है. रिटेलर वी कैन से शॉपकीपर, रिटेलर शॉपकीपर भी हो सकता है. फिर वो कंज्यूमर्स को भेजता है. ठीक है बेटा, कंज्यूमर यानी हम जो उसको कंज्यूम करते हैं. तो अब तुम्हें पता लग गया बेटा, अवर क्रॉप्स फ्रॉम फील्ड इज सोल्ड टू होलसेल मार्केट. होलसेल मार्केट में बेचे जाते हैं, फिर होलसेल मार्केट से रिटेलर उसको खरीद कर लाता है. रिटेलर कौन होता है, शॉपकीपर. फिर रिटेलर से वो कंज्यूमर यानी हमारे घर पर आते हैं, जो हम यूज करते हैं उन्हें कंज्यूमर कहते हैं. जैसे शॉपकीपर है, उसे हम सामान लेने गए तो हम कस्टमर हुए, और हम वो सामान किस लिए लाते हैं, कंज्यूम करने के लिए, यूज करने के लिए, तो हम कंज्यूमर हुए. ठीक है बेटा. नाउ फैक्ट, वन फैक्ट इज ऑल्सो देयर, सी. A cold storage is placed where crops like tomatoes, potatoes and fruits are stored to avoid over ripening before they are sent to the market.
अब कोल्ड स्टोरेज क्या है बेटा? कोल्ड स्टोरेज जैसे फ्रिज जैसा बिल्कुल कोल्ड होता है स्टोरेज, वो प्लेस होती है जहाँ पे कैसे क्रॉप्स रखे जाते हैं, टमाटो पटाटो और फ्रूट्स वगैरह रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। क्योंकि क्यों स्टोर किए जाते हैं? ताकि वो बच सके ओवर राइपनिंग से, ज्यादा पकने से। क्योंकि अगर उनको वैसे ही छोड़ दिया जाए बिना कोल्ड स्टोरेज के तो वो जल्दी पक जाएंगे, ज्यादा पक जाएंगे और जल्दी खराब होने हो जाते हैं। बिफोर दे आर सेंट मार्केट में सेंट करने से पहले वो कहाँ स्टोर किए जाते हैं? कोल्ड स्टोरेज में। और ग्रेन्स वगैरह कहाँ स्टोर किए जाते हैं मार्केट में भेजने से पहले? गोडाउन में। कहाँ स्टोर किए जाते हैं? गोडाउन में। नाउ दीज क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू लेटर, वी विल डू नाउ ट्रू एंड फॉल्स। राइट ट्रू फॉर ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। हार्वेस्टेड क्रॉप्स लाइक ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी सोल्ड इन मार्केट बिफोर दे रॉट। जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स है जैसे कुछ ग्रेन्स होते हैं खराब हो जाते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं ना, तो ये खराब होने से पहले, रॉट सड़ने से पहले मार्केट में इनको बेचना जरूरी है। सही है ना? जरूरी है ना, इसलिए ये ट्रू है। खराब होने के बाद तो नहीं बेचते मार्केट में, खराब होने से पहले ही बेचते हैं। देन सेकेंड इज फार्मर्स पैक हार्वेस्टेड क्रॉप्स एंड ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम फील्ड्स टू होलसेल वेजिटेबल मार्केट। अ फार्मर हार्वेस्टेड क्रॉप्स को पैक करता है और उसको ले जाता है, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। कहाँ पे? फ्रॉम फील्ड्स, फील्ड से होलसेल वेजिटेबल मार्केट में। बेटा अगर इधर हार्वेस्टेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होता तो होलसेल वेजिटेबल मार्केट्स ठीक होता, लेकिन ये हार्वेस्टेड क्रॉप्स तो कोई भी हो सकता है, ग्रेन्स भी होता हो सकता है, जैसे वीट है, राइस है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे होलसेल मार्केट आएगा, दैट्स वाई इट इज फॉल्स। ठीक है बेटा, सबके लिए हम होलसेल मार्केट यूज करेंगे, ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए होलसेल वेजिटेबल मार्केट, यानी सब्जी मंडी होती है वहां पे भेजे जाते हैं ना। इन अ राइस मिल, सी नाउ सी थर्ड, इन अ राइस मिल राइस ग्रेन्स आर पॉलिश्ड विदाउट रिमूविंग द हस्क। अब राइस मिल में क्या होता है? राइस मिल क्या होता है? राइस की जो फैक्ट्री होती है वहां पे राइस ग्रेन्स जो चावल होते हैं वो पॉलिश किए जाते हैं बिना रिमूव, बिना हटाए किसके? उसके छिलके। छिलके बिना हटाए उसको पॉलिश करते हैं? नहीं, छिलके पहले, छिलके हटते हैं उसके राइस के और फिर उसको पॉलिश किया जाता है। ठीक है बेटा, हस्क मीन्स छिलका उसका, दैट्स वाई इट इज फॉल्स, क्योंकि रिमूव करके ही वो पॉलिश किए जाते हैं। नेक्स्ट, इट इज जस्ट अ वन स्टेप प्रोसेस फॉर फूड टू रीच अस फ्रॉम फार्म। फार्म से हमारे तक सिर्फ वन स्टेप में फूड पहुंच जाता है। वन स्टेप में पहुंच जाता है? नहीं, कई स्टेप्स लगते हैं। ठीक है, इसीलिए फोर्स है। देखो, फील्ड से होलसेल मार्केट में जाता है, होलसेल मार्केट से रिटेलर यानी शॉपकीपर के पास जाता है, शॉपकीपर के पास से हमारे पास आता है, तो ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, दैट्स वाई इट इज फोर्स। बेटा नाउ डू दिस ट्रू फॉल्स इन योर बुक एंड रीड पेज नंबर 34 and 35। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।